हेलो दोस्तों, अगर आप भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है, क्योंकि मैं इस वीडियो में मुंबई की 3 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के बारे में बताने वाला हूं, जहां पर आपको आसानी से नौकरी मिल जाएगी। चाहे आपने इंजीनियरिंग किया है या फिर ITI या फिर आप 10th या 12th पास है, यहाँ पर आपको नौकरी मिल जाएगी। साथ ही जो ITI कर चुके हैं और अप्रेंटिस करना चाहते हैं, वो भी इस कंपनी में अप्रेंटिस कर सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सभी कंपनी के बारे में जानते हैं। पहले नंबर पे आता है भारत बिजली। भारत बिजली एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो मुंबई के एरोली में स्थित है। अगर आप इस कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो आपको 12th पास होना अनिवार्य है, और अगर आप यहाँ पर 12th के बेस पर जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी 12,000 स्टार्टिंग होने वाली है, और अगर आपने ITI किया है तो आपकी सैलरी 15,000 से 20,000 के बीच रहने वाली है। ये डिपेंड करता है कि आपने ITI कौन से सिलेबस से किया है, पर अगर आपने अप्रेंटिस करना चाहते हो तो आपकी सैलरी 12,000 होने वाली है, और अगर आपने इंजीनियरिंग किया है तो आपकी सैलरी स्टार्टिंग जो होगी वो आपका 25 से लेकर 35 के बीच में होने वाली है। सेकंड नंबर पे जो कंपनी आता है वो है मुकुंद कंपनी। मुकुंद कंपनी भी बहुत बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अगर आप मुकुंद कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो 10th या 12th के बेस पर जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी 15,000 से 18,000 के बीच होने वाली है, और अगर आपने ITI किया है तो आपकी सैलरी 16,000 से 21,000 के बीच होगी। इसके अलावा अगर आप इस कंपनी में अप्रेंटिस करना चाहते हैं तो आपकी सैलरी 12,000 से स्टार्टिंग होने वाली है। वहीं अगर आपने इंजीनियरिंग किया है तो आपकी सैलरी 25,000 से स्टार्ट होगी। तीसरे नंबर पे आता है गोदरेज एंड वॉयस कंपनी। तो दोस्तों, अगर आप इस कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो ये कंपनी विक्रोली में स्थित है मुंबई शहर के। अगर आप भी गोदरेज कंपनी में जॉब करना चाहते हैं तो आपकी मिनिमम योग्यता 10th पास होना चाहिए। अगर आप 10th पास है तो आप गोदरेज कंपनी में जॉब कर सकते हैं, और अगर आप गोदरेज में 10th या 12th के बेस पर जॉब करते हैं तो आपकी सैलरी 15,000 से स्टार्ट होने वाली है, और अगर आपने ITI किया है तो आपकी सैलरी 18,000 से स्टार्ट होगी गोदरेज कंपनी में। इसके अलावा अगर आप अप्रेंटिस करना चाहते हो तो आपकी सैलरी 14,000 होने वाली है, 14 या 15 के बीच रहने वाली है। इसके अलावा अगर आपने इंजीनियरिंग किया है या इंजीनियरिंग कर चुके हैं तो आप गोदरेज में जॉब के लिए अप्लाई करते हैं तो आपकी सैलरी 25 से स्टार्ट होने वाली है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी ही जानकारी लाता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।